बाली इंडोनेशिया का सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड स्टेट ही नहीं है, बल्कि है कंप्लीट पैकेज टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे माउंटेन्स, वॉल्केनोज, वाटरफॉल्स, लेक्स, बीचेस, मरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, शॉपिंग, फूड, बहुत कुछ। तो अगर आप बाली जैसी खूबसूरत से डेस्टिनेशन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए बना रहा हूँ मैं। इसमें मैं सब कुछ ही डिस्कस करूँगा कि आप अपना बाली का ट्रिप अच्छे से प्लान कैसे करें, बजट क्या होनी चाहिए, आइटनरी क्या होना चाहिए। हाय, मेरा नाम है सौरभ और आप लोग इस समय मेरा चैनल देख रहे हैं वॉन्डरिंग मॉन्क। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और प्लान करते हैं बाली का एक ट्रिप। किसी भी डेस्टिनेशन का जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो कुछ सवाल होते हैं जो दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि कब जाना चाहिए उस जगह पे, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, करेंसी कौन सी चलती है, सिम कार्ड कहाँ मिलता है, आइटनरी क्या हो सकती है। इन सारे ही सवालों का जवाब एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब जाना चाहिए बाली। बाली वैसे तो ऑल ईयर अराउंड डेस्टिनेशन है जहाँ लोग पूरे साल भर जाते रहते हैं, पर अगर आप वेट सीजन्स यानी कि रेनी सीजन्स की बात करें, चूँकि बाली सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो यहाँ का वेदर इंडिया के वेदर से काफ़ी डिफरेंट। यहाँ जो वेटेस्ट मंथ होते हैं वो दिसंबर से मार्च के बीच में होते हैं। अगर आप रेन से अवॉइड करना चाहते हैं तो दिसंबर से मार्च के बीच में बच जाइएगा। ड्राइएस्ट जो मंथ है वो है जून से लेके सितंबर तक, तो जून से सितंबर के बीच में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं बाली देखने के लिए। अगर आप भीड़ अवॉइड करना चाहते हैं तो जून से पहले यानी कि मई में या सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर में जा सकते, चूँकि ट्रॉपिकल आइलैंड है तो ह्यूमिडिटी और गर्मी हमेशा ही रहती है। कब के बाद डिसाइड करना होता है कि कितने दिनों के लिए जाना चाहिए। आइडियली मेरे हिसाब से कम एक हफ्ता यानी कि 7 टोटल डेज आपको बाली में स्पेंड करने चाहिए बाली का एक बेसिक सा फील लेने के लिए। आप 7 डेज में जितने ज़्यादा दिन ऐड करते जाएंगे आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर कम से कम मेरे हिसाब से अगर आप बाली जा रहे हैं तो 7 दिन अपने पास जरूर रखें। कितने दिनों के बाद अगर हम लोग बात करें कि कैसे जाएं बाली के लिए, अभी आज की तारीख यानी कि जुलाई में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको जाना पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम। फिलहाल जो चीपेस्ट फेयर्स दिख रहे हैं वो वाया वियतनाम है, वाया होचीमेन या वाया हानोई। स्क्रीन पे आपको प्राइसेस दिख जाएंगी। अगर 30,000 के अंदर आपको फेयर मिल रहा है बाली से रिटर्न का तो वो मेरे हिसाब से अच्छा है, और 30,000 से जितना कम होता जाएगा 20,000 के आसपास वो समझ लीजिए आपको काफ़ी अच्छी डील मिल रही है बाली आने जाने के लिए। यहाँ पे मेरा एक टिप है, वो टिप ये है कि अगर आप इन कंट्रीज़ के थ्रू बाली जा रहे हैं, अगर आपका बजट अलाउ करे और आपकी छुट्टियाँ अलाउ करें, तो जिन कंट्रीज़ के थ्रू आप बाली जा रहे हैं वहाँ का भी आप छोटा सा प्लान इस वाले आइटनरी में ऐड कर सकते हैं 3-4 दिनों का, जिससे आप एक ही ट्रिप में दो डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर कर सकेंगे। आपने अपनी फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर ली, अब सवाल आता है एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, कि कोविड के बाद अभी आज की डेट में बाली में एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। कोविड से पहले वीज़ा एग्जम्पशन था इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो कि कोविड के बाद ख़त्म कर दिया गया। ये जो वीज़ा एग्जम्पशन है सिर्फ और सिर्फ 9 एशियन कंट्रीज़ के लिए है, बाकी सभी लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट है लगभग $35। आप वहाँ जाएंगे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक तो चाहिए पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की हो, प्लस आपके पास जितने भी दिन आप रुकने वाले हैं उसका एकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, प्लस आपके पास होना चाहिए रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट के अलावा आपके पास वो टिकट भी हो सकता है जिसपे आप ये प्रूव कर रहे हो कि आप बाली पहुँच रहे हो, बाली से आप किसी और कंट्री में जाने वाले हो। वीज़ा ऑन अराइवल के साथ साथ कोविड की वजह से और भी एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हुई, कुछ एडिशंस हुए हैं। बाली का एक ऐप है, स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको इंस्टॉल करना होता है। फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर बूस्टर डोज भी आपने ले रखा है वेल एंड गुड। आपने एक बार बाली में एंट्री ले ली, वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, जब बाली के अंदर आप इंटर कर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए होगा वहाँ का लोकल करेंसी। उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से कुछ $ कैरी कर लीजिए, या फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स हैं जिनमें कोई भी मार्कअप, फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस नहीं लगते हैं। उनमें से एक जो मैं यूज़ करता हूँ वो है नियो ग्लोबल का कार्ड, उसमें कोई फॉरेक्स मार्कअप चार्ज नहीं लगता, और ATM से विड्रॉल पे भी फर्स्ट विड्रॉल जो आप करेंगे एक महीने के अंदर उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप वहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा $ अगर आप साथ में कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पर याद रखिए एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंज रेट बहुत गड़बड़ होते हैं, एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत कीजिएगा, सिटी के अंदर जाके एक्सचेंज कीजिएगा। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी सिम कार्ड की। सिम कार्ड आप चाहे तो एयरटेल, वोडाफोन या जियो जैसा सिम कार्ड यूज़ करते हैं उसका इंटरनेशनल रोमिंग भी एक्टिवेट करा सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। जब आप बाली जाएंगे तो लगभग 600 से 800 के बीच में आपको एक महीने वैलिडिटी वाला कुछ 4GB, 5GB, 6GB वाला सिम कार्ड या तो एयरपोर्ट पे या सिटी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है।
वीज़ा सिम कार्ड के बाद अब सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि मैं सिटी के अंदर यानी कि बाली आइलैंड में कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। तो उसके लिए मेरा जो सजेशन होगा कि आप या तो टू व्हीलर यूज़ कीजिए या चार्टर कार यूज़ कीजिए यानी कि फुल डे की टैक्सी यूज़ कीजिए। रीज़न ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्टेंट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली नहीं है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो बहुत सारे तरीके हैं हिचहाइक करके या छोटे छोटे चेंजेस कर करके आप दूसरे जगह जा सकते हैं, पर अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा फैमिली या कपल तो आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर पर रिलाई कीजिए। फोर व्हीलर में मैं सेल्फ ड्राइव नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ की ट्रैफिक और वहाँ की जो ड्राइविंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है आपकी सेल्फ ड्राइव के लिए। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो गेस्ट हाउसेज, हॉस्टल्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स भरे हुए हैं बाली में। मतलब अगर आप 200 रुपये से शुरू होकर हॉस्टल्स की बात करें तो 200 रुपये में आराम से आपको एक बेड मिल जाता है डॉर्मेट्री में, और अगर आप लग्जरी रिजॉर्ट्स की बात करेंगे स्काई इज द लिमिट। बट डिसेंट पैसा खर्चा करके भी आप आराम से 3-4 स्टार होटल्स में रुक सकते हैं। एक मैंने लिस्ट बनाई है उन अलग अलग बजट रेंजेस में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा रिकमेंडेशन होगा हर एक बजट के लिए। अब अगर आइटनरी की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि लगभग 7 दिनों की आपको ज़रूरत होगी बाली को ठीक ठाक से देखने के लिए। बाली का मैप अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाली एक छोटा सा आइलैंड है, लगभग लेंथ में 80-85 किलोमीटर होगा और विड्थ में कोई 100-125 किलोमीटर होगा। उसी कॉम्पैक्ट साइज में आपको सब कुछ मिल जाता है और छोटे छोटे 2-3 आइलैंड्स हैं जो कि बाली से रिपोर्ट से आधे घंटे के अंदर तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बाली को आपको कैसे एक्सप्लोर करना उसके लिए थोड़ा सा मैप खोल के मैं रखता हूँ, मैप के साथ आपको दिखाता चलूँगा कि कैसे कैसे आप कहाँ रुक रहे होंगे और कहाँ कहाँ चीज़ें आप कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बाली को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में डिवाइड किया जाए तो जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो मोर ऑर लेस साउथ बाली में हैं, सेंट्रल बाली में हैं, नॉर्थ बाली में हैं और ईस्ट बाली में। बात करते हैं साउथ बाली से क्योंकि हमारी जो फ्लाइट्स लैंड होती हैं इंटरनेशनल डेनपसार वाली वो सारी की सारी साउथ बाली में लैंड होती हैं, जो कि कुटा सेमिनाक के काफ़ी पास है। कुटा सेमिनाक पार्टी डिस्ट्रिक्ट है बाली का। नाइट लाइफ और पार्टी इन्जॉय करना चाहते हैं तो कुटा और सेमिनाक वो एरिया जहाँ पे आपको रुकना चाहिए एटलीस्ट 2 दिन। अगर आपको शांति पसंद है और शांति से बीच के किनारे पड़े रहना पसंद है तो आपको चूज़ करना चाहिए नुसा दुआ, ना कि कुटा या सेमिनाक। आप इन शुरू के जो 3 दिन हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं नुसा दुआ, कुटा एंड सेमिनाक पे डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आप नुसा दुआ में ज़्यादा रुक रहे हैं तो वहाँ के काफ़ी सारे बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उलुवाटू मंदिर है, गरुणा विष्णु कंचना है, काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं जहाँ जिसको आप नुसा दुआ से आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुटा सेमिनाक में रुक रहे हैं तो कुटा सेमिनाक में रुकने के साथ साथ आप तनालॉट का मंदिर देख सकते हैं, काफ़ी फेमस है। कुटा और सेमिनाक में काफ़ी सारे शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर आप बाली में काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं, प्लस वहाँ पर भी कुछ बीचेस हैं, कुछ डे क्लब्स हैं जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं शुरू के 3 दिनों में। 3 दिन साउथ बाली में बिताने के बाद 4th दिन आपको जाना चाहिए नुसा आइलैंड्स के ट्रिप पे। बहुत सारे लोग डे ट्रिप भी करते हैं पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 1 रात बिताइए ताकि आप नुसा, नेम्बोंगन, चेनिंगन और पनीदा तीनों आइलैंड्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाएँ। ये तीनों ही नुसा आइलैंड्स एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं। नुसा पनीदा से नुसा नेम्बोंगन के बीच में काफ़ी सारी छोटी बोट चलती हैं जिससे आप 15-20 मिनट में आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेम्बोंगन और चेनिंगन एक दूसरे से एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आराम से टू व्हीलर या पैदल यूज़ करके क्रॉस कर सकते हैं। बाली की मेन आइलैंड से नुसा आइलैंड तक पहुँचने के लिए आप जाने के लिए बोट ले सकते हैं सानूर हार्बर से, जिसमें टाइम लगता है लगभग आधे घंटे का। अगर आप टैक्सी का खर्चा और बोट का खर्चा साथ में जोड़ें तो लगभग आपका 1000 रुपये के आसपास एक आदमी का खर्च होगा बाली के मेन आइलैंड यानी कि सानूर हार्बर से नुसा आइलैंड तक पहुंचने के लिए। फिर पनीदा, लेम्बोंगन, चेनिंगन जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है केरिंगक्लिंग बीच, डेविल स्टीयर। ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लोर करके वापस मेन आइलैंड पे आएंगे तो मेरा सजेशन होगा कि आप वापस सानूर हार्बर मत जाइए बल्कि आप जाइए ईस्ट बाली में। इनमें एक दूसरा हार्बर है जिसका नाम है कुसुम्बा और बोट का जो कॉस्ट है वो भी लगभग 500-550 रुपये का ही होता है नुसा पनीदा से कुसुम्बा के बीच में। वहां जाने से सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि जो रोड ट्रांसफर है साउथ बाली से ईस्ट बाली के बीच में उसका टाइम बचेगा और दोनों ही डिस्टेंसेस बोट के थ्रू लगभग सेम टाइम में पूरी की जा सकती हैं। जब आप ईस्ट बाली पहुंचेंगे कुसुम्बा उस दिन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से एक कार बुक करके रखें, चाहे तो क्लू के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू। ईस्ट बाली में जब आपको आपका ड्राइवर पिक करेगा तो आप ईस्ट बाली में काफी सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाली सफारी कर सकते हैं और वापस जाके वो बोट में रात को रुक सकते हैं। जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने ये टिकट्स क्लूक के थ्रू बुक किए थे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो आखिरी का 3 दिन है वो आप डेडिकेट कर सकते हैं
सेंट्रल बाली, नॉर्थ बाली और ईस्ट बाली, जितना टाइम आपको जो जो चीज़ें पसंद है उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल बाली उबुद में रुक रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप उबुद में रह के कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ बाली का ट्रिप है या ईस्ट बाली का ट्रिप है, माउंट बाटूर का ट्रेक है, या फिर बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं जो आपने बाली के इंस्टाग्राम पिक्स में देखे होंगे। ये सारी चीज़ें आप उबुद में रह के आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उबुद के अलावा आप नॉर्थ बाली में भी चाहें तो एक दिन स्पेंड कर सकते हैं। आमेर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा ब्लैक बीच है वॉल्केनिक ऐश की वजह से। तो ये टोटल 7 दिनों का हिसाब किताब बाली में आप क्या क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं और अपने डेज आप कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। डिटेल आइटनरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आइटनरी के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल बजट कितना आपको रखना चाहिए मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली इस ट्रिप के लिए। ये पूरा ही बजट मैं बता रहा हूँ एक कपल के लिए, दो लोग अगर एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना खर्चा आने वाला है। फ्लाइट लगभग आपको 60,000 रुपये की पड़ेगी आना जाना। वीज़ा का जो फीस है वो दो लोगों का लगभग 70 US डॉलर यानी कि लगभग 5,500-6,000 रुपये का होगा। होटल का खर्चा आपका अगर 3,000 रुपये पर नाइट पकड़ा जाए तो लगभग 21,000 रुपये का होता है। उसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया था कि अगर लगभग आप 4 दिन के लिए स्कूटर हायर करते हैं तो एक दिन का खर्चा पेट्रोल के साथ लगभग आप 750 रुपये मान लीजिए तो टोटल 4 दिनों का खर्चा होगा आपका लगभग 3,000 रुपये का। और अगर 3 दिन जैसे मैंने कहा था नॉर्थ सेंट्रल और ईस्ट वाली एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप चार्टर्ड कार बुक करते हैं तो एक दिन का खर्चा 3,000 रुपये, 3 दिन का लगभग 9,000 रुपये, तो 9,000 + 3,000 लगभग 12,000 रुपये आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा कर रहे होंगे पूरे 7 दिनों के ट्रिप में। उसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो रफली दो लोग एक टाइम का खाना 1,000 में खा सकते हैं, तो दो टाइम का खाना लगभग 2,000 रुपये का होगा, 7 दिनों में ये खाने का कॉस्ट होगा लगभग 14,000 रुपये का। मैंने ये कंसीडर किया है कि ब्रेकफास्ट आपने होटल में लिया होगा। तो मैंने नूसा आने जाने की बात की थी तो लगभग 2,500 रुपये का खर्चा आपका स्पीड बोट का होने वाला है दोनों लोगों का आने जाने का, प्लस आपके टैक्सी में भी लगभग उतने पैसे लग रहे होंगे 1,500 से 2,000 रुपये, तो टोटल आपका स्पीड बोट नूसा आने जाने का 4,000 के आसपास खर्चा हो रहा होगा। अगर शॉपिंग की बात की जाए तो शॉपिंग आपको कितना करना होगा आपको खुद डिसाइड करना होगा, शॉपिंग का कॉस्ट मैं इस बजट में नहीं जोड़ रहा हूँ। इसके अलावा एक्टिविटीज़ और एंट्रेंस फीस के लिए भी बहुत जगह पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, 7 दिनों में लगभग उसके लिए मैंने रखा है 10,000 रुपये। और जो मैंने बजट की बात की, मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा ट्रिप आप 7 दिनों का आराम से 1,25,000 के अंदर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये था एक कंसाइज सा वीडियो बाली के ट्रिप के ऊपर, डिटेल में बाली का ट्रिप कैसे होता है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, उसके लिंक स्क्रीन के कॉर्नर पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक मैं अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।